Hi guys, how to make study plan for SSC CGL 2018 Tier-1? SSC CGL 2018 के लिए study plan कैसे किया जाए, study को strategize कैसे किया जाए? आप ये वीडियो जरूर देखिए अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैंने भी जॉब के साथ ही प्रिपेयर करा था। मेरा नाम है अर्पित शर्मा, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक वर्किंग पर्सन के पास टाइम की क्या लिमिटेशन रहती है और किस तरीके से उसके पास एक एडवांटेज भी रहता है, किस तरीके से वो टाइम को मैनेज कर सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा स्टडी प्लान, एक सैंपल स्टडी प्लान लेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 महीने का हमारे पास टाइम है। टीयर वन की डेट्स आ चुकी हैं 4 जून से 19 जून। यहां से बहुत ज्यादा ये डिले नहीं होगा, आई थिंक इन्हीं डेट्स पर हो जाना चाहिए, क्योंकि वेंडर वगैरह सब फाइनलाइज हो गया है। TCS आप लोगों को पता ही होगा, वेंडर है, एक आध एग्जाम करा भी चुका है TCS, तो स्मूथली चल रहा है। और अब SSC भी काफी इसमें स्ट्रिक्ट है, 4 महीने का टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली 120 दिन है। जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यू आर वेरी लकी इफ आपका 19th के आसपास की डेट्स में एग्जाम आता है, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में भी आता है तब भी ऐसा नहीं है, तब भी आप लकी हो, क्योंकि स्टार्टिंग में लास्ट ईयर तो ये देखा गया था पेपर थोड़े से ईजी थे और आगे जाते जाते कुछ थोड़े टफ क्वेश्चंस में आने लगे थे, ठीक है। तो एक वर्किंग पर्सन क्या है, वर्किंग पर्सन देखिए 10 से 6 आपकी जॉब हम ले लेते हैं, हम शिफ्ट, जिन लोगों की शिफ्ट होती है, जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं IT वगैरह में या अलाइड सेक्टर्स में, उन्हें नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है BPO वगैरह में काम करते हो तो शिफ्ट होती है, तो आप इसको अपने टाइम टेबल को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखकर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले जो स्टडी प्लान है बहुत जरूरी है, पहली स्टेप है किसी भी एग्जाम को, किसी की तैयारी करने में आपको देखिए ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे, डिसऑर्गेनाइज रह के तैयारी करोगे, आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज्यादा उसके लिए जरूरी है, उसके लिए पहली स्टेप ही है स्टडी प्लान, ठीक है। और स्टडी प्लान का सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर SSC CGL की, सबसे पहले तो आप SSC CGL का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, 2018 का ही डाउनलोड कर लो। उससे आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, उस सिलेबस को वहां से कॉपी करके एक नोटपैड या वर्ड फाइल में अपना सिलेबस तैयार कर लो, आपको पता लग जाएगा कि सिलेबस में क्या है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है, वो अपने किताब उठाते हैं, स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं पढ़ाई, ठीक है। तो एक बार देखो, आई थिंक 2-3 घंटे आप इस चीज में लगाओ, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, राइट। स्टडी प्लान की तैयारी कैसे करें, सबसे पहले तो आपको स्टडी प्लान के लिए पता होना चाहिए कि भाई आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, और टाइम आप कहाँ से निकाल सकते हो, और आपके पास क्या टाइम है जो कि आपको पता लगेगा अगर आप काम कर रहे हो कि आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है। जॉब की टाइमिंग तो बदल नहीं सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करिए जॉब आपकी 10 से 6 के टाइमिंग है, जो कि नॉर्मली हमारे देश में जॉब का टाइमिंग रहता है। उसके बाद अगर आप ऑफिस थोड़ा भी दूर है, मैं ऑन एन एवरेज लेता हूँ 1 घंटा आपको ऑफिस की कम्यूट में लगेगा सुबह को, प्लस 1 घंटा शाम को लगेगा। अब ये किसी का हो सकता है कि ये जो टोटल जो 2 घंटे हैं, ये किसी का 1 ही घंटा लगता हो, किसी के 3 घंटे लगते हो, ठीक है, किसी का आधा ही घंटा लगता हो, तो डिपेंड करता है। उसके बाद ठीक है, एक टाइम और होता है इसमें, सुबह को जब आप तैयार होते हो, आप ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो, फ्रेशन अप होते हो, 1 घंटा वहां पे आपका निकल जाता है, और शाम को आने के बाद भी आप 30-40 मिनट तो एटलीस्ट रिलैक्स करोगे, ठीक है, पूरे दिन काम करके आए, तो मोटा मोटी अगर हम देख लें और थोड़ा बहुत करके तो 12 घंटे आपके ये चले गए, ठीक है, 12 घंटे दिन में से चले गए आउट ऑफ 24 आवर्स। और आप 6 से 7 घंटे भी अगर आप सोते हो, 7 घंटे हमने मान लिया, मोस्ट ऑफ द लोग उससे ज्यादा ही सोते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उसे कम कर देना, तो 19 घंटे यहाँ पे हो गए, 19 गए और 1 घंटा और हो गया, क्योंकि आप रात में डिनर करोगे, डिनर के बाद थोड़ा सा टाइम आप लोगे
फैमिली के साथ रहते हो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको 5 days अ वीक अगर आपकी जॉब है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर फॉर 5 days, 5 days अ वीक अगर आपकी जॉब है तो आपको 4 घंटे घर में मिलेंगे तैयारी के लिए, ठीक है। ये एक, अगर आप इससे ज़्यादा निकाल पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा निकाल लो, बट 4 घंटे हम लेकर चल रहे हैं तो 4 × 5 हो गए आपके 20 आवर्स। सैटरडे को अगर हम देखें, सैटरडे और संडे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है आपकी छुट्टी है तो आप पूरे दिन पढ़ते रहोगे, हो भी नहीं सकता, ठीक है, आपको रिलैक्स करने का थोड़ा टाइम मिलता है, थोड़ा हो सकता है 7 से 8 घंटे सो जाओ, ठीक है, शाम को घूमने जाओ या अगर आप खेलते हो तो खेलो। तो हम मान लेते हैं कि 8 घंटे आप सैटरडे पढ़ लेते हो, 8 घंटे आप संडे पढ़ लेते हो, ठीक है, 36 आवर्स हो गए, 35 हमने मान लिए, 35 आवर्स। अब ये जो 35 आवर्स हैं, आप क्या करो, आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो नहीं भी कर सकते हो कि आप हर दिन 4 घंटे पढ़ो, हो सकता है किसी दिन आप 2 ही घंटे पढ़ पाओ, पर हो सकता है कि आप किसी दिन 5 घंटे 6 घंटे पढ़ पाओ, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपको ऑफिस में कितना काम था, आप जल्दी आ जाते हो ऑफिस में, बट वीक का रखो आप ये कि आपको 35 घंटे निकालने हैं, 35 आवर्स अ वीक। दूसरी चीज, टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टारगेट बेस्ड होना, ठीक है। टाइम हो सकता है कि आप 2 घंटे पढ़ो, पर 2 घंटे में अगर आपने 20 ही क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करे हैं तो क्या आउटपुट निकला, ठीक है, टाइम इनपुट हो गया, टारगेट जो आप निकाल रहे हो वो आपका हो गया आउटपुट, तो आपको आउटपुट पे ज़्यादा फोकस करना है कि कम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट, जो कि आपकी एफिशिएंसी बताएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो आपको टारगेट बेस्ड अपना प्लान रखना है, वही हम देखेंगे कि हम टारगेट बेस्ड प्लान किस तरीके से रख सकते हैं, राइट। तो अब अपने को करना क्या है, हमारा ये हो गया, सॉर्ट आउट हो गया कि हमें वीक में 35 आवर्स के करीब अपने निकालने हैं, जो कि महीने में हमारे 140 आवर्स के करीब हो जाते हैं, बट बीच में एक हॉलीडे भी आती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको आप वीक का एक अपना प्लान लेकर चलो। हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट बाय मेकिंग, मैं स्टेप्स बता देता हूं आपको, डेली एंड वीकली प्लान, आपको डेली प्लान बनाना है, वीकली प्लान बनाना है, आप एक A4 साइज पेपर पे, चाहे 2-3 पेपर लगे उन पे आपको वो प्लान लिखना है, और अपनी जो दीवार है, जो आपकी स्टडी टेबल है, वहां पर आपको किसी तरीके से लगा देना है जिससे कि वो आपको विजिबल रहे और आपको बार बार इधर उधर ना देखना पड़े, आपको रिमाइंड कराता रहे वो प्लान कि आपको आज ये टारगेट पूरा करना है, सिंपल, ठीक है। तो टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, 35 आवर्स अ वीक के करीब आपको टारगेट अपना रखना है। हमारे पास अगर हम 4 महीने में देखें तो 16 से 17 वीक्स पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले हमारे 16 से 17 वीक्स के करीब पढ़ेंगे, आपको अपनानी है बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच का से मेरा मतलब क्या है, बैलेंस्ड अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि भाई जो Tier-1 है उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 25-25-25-25 क्वेश्चन, 4 सेक्शन होंगे आपके, जिसमें कि आपका होगा ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस, तीसरा आपका क्वांट और चौथा आपका इंग्लिश होगा। बट इंग्लिश और जो क्वांट है वो आपके Tier-2 में भी जा रहे हैं और वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, इंग्लिश और आपके क्वांट, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें, हाँ जी, तो आपको चारों सेक्शन पे एक तो बराबर का ध्यान देना है, बराबर से मेरा मतलब ये है कि जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से हमें इन चारों सेक्शंस पे ध्यान देना है, ठीक है। जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, मैं उसे GIR लिख देता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 25 इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत टफ नहीं होता, तो इजी टू मॉडरेट ये होता है, ठीक है। आपको ये स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपका भी एक IQ लेवल है तो उसमें आप 25 में से कुछ भी नहीं तो 16-17 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर दोगे। अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप क्या करो, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो, ठीक है,
उसके 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कोई भी सीजीएल का पेपर आप डाउनलोड कर लो, आपको नेट से, गूगल से, बहुत सारी साइट्स हैं, एसएससी अड्डा वगैरह, वहाँ से, ऑलिव बोर्ड है, वहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा ये, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर लो और एक बार से सॉल्व करके देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप इसमें कितने स्ट्रांग हो, ठीक है। बाकी ये जो है हम स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है, और ये हम बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारा आ गया जीएस, जिसकी तैयारी तो हमें धीरे धीरे स्टार्ट कर ही देनी है। जीएस का क्या है कि जीएस कभी भी 15 दिन में या फिर वन नाइट फुल फाइट टाइप की नहीं हो सकती, ये आपको धीरे धीरे करना ही करना है। अब जीएस में क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट उतना अच्छे से नहीं आता, क्योंकि एक तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, ठीक है, और हमें भी नहीं पता होता, तो हम उतना नहीं देखेंगे इस पे। हम टारगेट बेस रखेंगे और ये हम एक पूरी अलग से एक इसकी वीडियो रखेंगे जीएस की, कि इसमें हमें प्लान कैसे करना है टॉपिक वाइज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 4 महीने में टॉपिक वाइज हमें कैसे करना है, वो टॉपिक हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। उससे क्या है कि आपका एक बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वांट पे। क्वांट का हम पूरा प्लान करेंगे, ठीक है, दूसरे अपने पहले या दूसरे दिन से, जिस भी दिन से हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और इंग्लिश हम करेंगे साथ में, ओके। तो अब हमने देखा कि हमारे पास, अगर हम पीछे जाएं, हमारे पास 4 घंटे हैं। 4 घंटे में से 3 घंटे आप निकाल सकते हो इवनिंग में आने के बाद, ठीक है। एक तो आप ऑफिस से आने के बाद, आप डिनर से पहले, ऑफिस और डिनर से पहले आप 1.5 आवर्स निकाल सकते हो, और डिनर के बाद भी आप 1.5 आवर्स निकाल सकते हो। तो मैं मान के चलूंगा कि आपका जो मैथ्स है या क्वांट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, और क्वांट की क्योंकि सिग्निफिकेंस Tier-2 में भी बहुत है, तो ये जो 3 घंटे हैं आप क्वांट में लगाइए अभी स्टार्टिंग में, एक बार जब तक आपका रिवीजन नहीं हो जाता है, उसके बाद हम फिर टाइम फिर से एलोकेट करेंगे। सुबह को अगर आप 6:30-7 बजे तक उठ जाते हो और 1 घंटा अगर आप निकाल पाते हो तो उसमें आप कर सकते हो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आप उसमें आराम से कर सकते हो। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी वो मैं आपको बता दूंगा, बुक्स तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें आप अपना जो मेन जो इंग्लिश का है वो कर सकते हैं, ठीक है, हम देखते हैं इसके बारे में। हाँ, दूसरी चीज एक और जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना ऑफिस का जो टाइम है उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ऑफिस के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस में अगर आप 8 घंटे रहते हो तो 8 घंटे काम तो करते नहीं हो, 8 घंटे में से आप 1-8 घंटे लंच भी करोगे, बीच में भी करते हो, फिर सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो अगर आप ऑफिस में 1-1.5 घंटे निकाल लेते हो ना, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, एक तो वोकैबुलरी कर सकते हो अपनी, एंटोनिम सिनोनिम या वन वर्ड वगैरह कर सकते हो, आप अपने सेलफोन में डाउनलोड कर सकते हो ये सब चीजें, सेलफोन से कर सकते हो, नेट की हेल्प से कर सकते हो कुछ PDF वगैरह करके, या फिर आप अपना GS कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हाउ टू स्टार्ट हो गया। अब अगर हम क्वांट का एक तरीके से लेते हैं, इसमें ब्रीफ सिलेबस का देख लेते हैं। क्वांट में क्या है हमारा, सॉरी, नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम से अगर हम स्टार्ट करते हैं, पहला सिस्टम मोस्टली नंबर सिस्टम ही होता है जिसमें आपका LCM HCF आता है, नंबर्स की पावर आती है, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। कि अगर आप, अब 2 तारीख हो चुकी है, ठीक है, अगर आप 3 तारीख से या 4 तारीख से मान लेते हैं अगर आप स्टार्ट करोगे, तो आपको 3 दिन नंबर सिस्टम में देने का जरूरत है, 3 दिन, ठीक है। ये 3 दिन आपके होते हैं 4 से अगर आपने स्टार्ट करा मंडे से, हाँ जी, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, ये 3 दिन होते हैं। अब सॉरी 3 डेज, 3 डेज मतलब हम इसमें 8 से 9 घंटे इसे दे रहे हैं, ठीक है। तो 8 से 9 घंटे आपका डेली का टारगेट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, पहले दिन चाहे आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, 2 घंटे बैठ के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कहाँ से आप पढ़ सकते हो कॉन्सेप्ट्स, सर्वेश वर्मा की एक बुक आती है क्वांटम कैट, ठीक है, या फिर अरुण शर्मा की एक बुक आती है, ये पहली,
अरुण शर्मा की बुक आती, इन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो आपको Tier-2 में काम आएंगी, दूसरा इनमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से दिए गए हैं, ठीक है। वरना आप RS अग्रवाल की बुक भी पढ़ सकते हो, अगर आपकी मैथ्स एकदम ही आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हो। चौथी किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर वगैरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपने 8 से 9 घंटे दे सकते हो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और आप कोशिश करो कि पर डे आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 50 क्वेश्चन में आपको कितना, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, तो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। 1.5 घंटा भी लगता है आपको, उससे 1 घंटा लेके आना है 50 50 क्वेश्चन को, जो कि आपका प्रैक्टिस के साथ स्पीड के साथ आ जाएगा। तो ये 3 दिन में आप एक तरीके से 150 से 200 क्वेश्चन इसके निपटा लोगे, ठीक है, आपका एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद आपका आता है, फिर दूसरी जो चीज आती है वो आपकी आती है एवरेजेस का, ठीक है, एवरेजेस आता है। फिर आपका आता है एलिगेशंस का चैप्टर आता है, एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स। तो एवरेज का क्या है, एवरेज में ज्यादा कुछ नहीं है, आप 1 दिन दोगे 3 घंटे का टाइम, 40 से 50 क्वेश्चन आप RS अग्रवाल या इसमें से कर लोगे, सर्वेश में से या किरण में से कर लोगे, वो आपको देखना। अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप RS अग्रवाल से स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मन है, बट आपको आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट की एक जगह नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। बेसिक जो फंडा है, जो बेसिक आइडिया है, वो सिंपल है कि स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एवरेजेस हो गया, एलिगेशंस हो गया, तो मंडे ट्यूसडे, ये आपका थर्सडे हो गया और ये आपका फ्राइडे को हो गया, ठीक है। सैटरडे को आपको क्या करना है, सैटरडे संडे में हर वीकेंड पे, हर सैटरडे संडे आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। अभी मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है 1-2 वीक, क्योंकि हर जो टेस्ट प्रोवाइडर है वो फ्री मॉक टेस्ट आपको एक देता है, आपको ऑलिव बोर्ड भी देता है, आपको टेस्ट बुक भी देगा, ठीक है। आपको अगर आप अड्डा वगैरह से लेना चाहते हैं वो भी आपको देंगे, उसके अलावा अगर आप क्यू मैथ्स से लेना चाहते हैं वो देगा, तो बहुत सारे जितने भी ये प्रैक्टिस मॉक है तो ये सब आपको फ्री के मॉक टेस्ट आपको एक एक देते हैं। तो आप एक सैटरडे को और संडे को वीकेंड में दो कर लोगे, पर वीक आप 2 मॉक टेस्ट कर लोगे, तो आपका 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। बट आपको ये पता लग जाएगा किसके मॉक टेस्ट अच्छे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं तो रेकमेंड करूंगा ऑलिव बोर्ड टेस्ट बुक, क्योंकि मैंने यही करे थे। उसके अलावा प्रैक्टिस मॉक के भी अच्छे हैं, और भी मैंने देखे थे, और भी मैंने मॉक टेस्ट वगैरह करे थे, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट आप हर वीक में एक आध करो, इस तरीके से आप अपना प्लान बना के चल सकते हो, ठीक है। फिर आपका प्रोग्रेशन और सर्ट्स आता है। ये जो डिटेल जो प्लान है इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो मैथ्स बनाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। तो अब इसमें हमारा मैथ्स का हो गया, उसके बाद अगर हम देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में आप स्टार्ट करो, सबसे पहले टेंसेस का चैप्टर आता है उसे पढ़ना शुरू करो। SP बख्शी की बुक आती है, ऑसम बुक है, मोस्टली लोग SP बख्शी से करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग प्लिंथ टू पैरामाउंट भी करते हैं, उसमें वैसे बहुत अच्छा नहीं है, बट SSC के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ये भी आप चाहो तो खरीद सकते हो क्वेश्चंस के पर्पस के लिए। बाकी आप किरण्स भी ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये आपको नेट पे मिल जाए, किरण्स वगैरह वाली बुक डाउनलोड कर सकते हो, और भी मटेरियल मिल जाए। तो बेसिकली पर्पज ये कि एक तो अपने को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, ठीक है, इसमें से, और उससे पहले अपने को कौन से पढ़ने, टेंसेस पढ़िए, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी आते हैं वो आप धीरे धीरे, ये इसके लिए तो SP बख्शी एक आप खरीद ही लो, 150-200 रुपये की बुक आएगी ये, ठीक है, ये आप कर लो। और स्टार्टिंग में अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम कर सकते हैं, उससे एक लाइन से आप करते जाओ, उसमें बीच बीच में रूल्स लिखें, एक पेपर पे लिखते जाओ कि रूल्स हो जाएंगे, 50 से 1 रूल्स हो जाएंगे, और उन्हें आप रिवाइज करते रहोगे। उसके बाद आपका वन वर्ड, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपको दे रखे हैं। ये आप क्या कर सकते हो, ये आप अपने ऑफिस में कर सकते हो, ये सब जो चीजें हैं। तो इस तरीके से आप करोगे, दिन मॉर्निंग में 1 घंटा करोगे, 5 दिन एक एक घंटा ऑफिस में थोड़ा सा कर लोगे, और रात को अगर आपको सोने से पहले मन कर रहा है और मैथ्स
का मन नहीं कर रहा है उतना 3 घंटे करने का, तब आप ये कर सकते हो। उसके अलावा वीकेंड पे आप ये कर सकते हो, एक एक घंटा स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से ये जो आपकी इंग्लिश है ना, ये अगर आप अब शुरू करोगे तो मार्च में, तो मार्च एंड तक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बीच में आप मार्च एंड तक कम से कम 8-10 मॉक टेस्ट भी दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके वीक एरियाज क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो तो बनाएंगे, इसमें जनरल स्टडीज में क्या है कि आपका एक तो हमारी होती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री होती है हमारी, हिस्ट्री एंड कल्चर, ओके, इकोनॉमिक्स होती है जिसमें माइक्रो और मैक्रो होती है, मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर हमारी होती है साइंस, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये साइंस का, फिर होते हैं हमारे करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स होता है हमारा, ठीक है, पॉलिटी का एक सेक्शन होता है, और एक होती है हमारी स्टैटिक जीके। तो इसमें तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं साइंस में, जिसमें आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, ओके, कंप्यूटर्स का एक क्वेश्चन आता है, बाकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पॉलिटी के 2 से 3 आते हैं, और इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं, बाकी बचे हुए 2 से 3, अब ये वेरी होते रहते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये कंप्यूटर्स का एक क्वेश्चन पक्का है। इकोनॉमिक्स की अब वेटेज बढ़ती जा रही है, तो 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, तो इस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक आती है, बट अभी टाइम है तो बेस्ट जो सोर्स है इसका वो एनसीईआरटी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आरएस अग्रवाल की बुक हमारे पास आती है, तो ये जो है अभी जनरल, अभी इसको तो नहीं देखना, मॉक टेस्ट में आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आप मॉक टेस्ट में करोगे। मॉक टेस्ट से आपको क्या पता लगेगा, इसके क्या है 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ठीक है, जो आते हैं, सीरीज हो गई आपकी, ऑड वर्ड आउट हो गया, डिक्शनरी बेस्ड हो गया, और आपके रिलेशनशिप बेस्ड हो गया, डायरेक्शन बेस्ड हो गया, जो कि ईजी है। उसके अलावा कुछ पिक्चर बेस्ड होते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड होते हैं, मैट्रिक्स बेस्ड होते हैं, जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आपको पहले 2-3 मॉक टेस्ट में पता लग जाएगा। तो आरएस अग्रवाल की बुक से आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, जो आपको थोड़े डिफिकल्ट पड़ रहे हैं उन्हें टारगेट कर सकते हो बस, और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। जनरल स्टडीज आप वीकेंड में कर सकते हो अभी स्टार्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट से मैं आपको एडवाइस करूंगा साइंस से स्टार्ट करो और एनसीईआरटी से ही करो। इसे आप डाउनलोड कर लो, 8th क्लास की आप कर सकते हो, 6th to 10th क्लास की, बट स्टार्ट करो आप 6th से, क्योंकि एक तो आप जल्दी जल्दी उसे खत्म कर पाओगे, और 9th और 10th में क्या है वही थोड़ा सा डीप में है चीजें जो आप 8th तक पढ़ोगे, तो 6th to 8th भी पढ़ लेते हो तो भी आपका काफी काम इसमें हो जाएगा साइंस में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं से भी बहुत सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, मनोहर पांडे की बुक आती है, आप उसमें से देख सकते हो, अभी वीकेंड पे करना है। बाकी जो प्लान है वो हम देखेंगे, हम इसको करेंगे थोड़ा सा, अगर हमारा एग्जाम जून में है तो अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक हम सिर्फ वीकेंड में करेंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारा स्टडी प्लान टाइमलाइन तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। मैथ्स के लिए जो स्टडी, जो टाइमलाइन मैंने बनाई है वो हम मैथ्स की वीडियो में प्रॉपर उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज आप कोई भी क्वेरीज है, मैं एक FAQs की भी वीडियो बनाऊंगा ऐसे सीजीएल से रिलेटेड, आप कोरा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अर्पित शर्मा के नाम से, और कोरा में मैंने बहुत सारे कुछ आंसर्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप इन आंसर्स को भी फॉलो कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, 4 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और आप जॉब भी कर रहे हैं, जॉब में क्या है कि आपको सैलरी मिल रही है हर महीने, ठीक है, और ऑलरेडी आप एक जगह सेटल हो, आप एक जगह काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको ये नहीं कि भाई आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो हाथ पैर फुलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट टाइम की क्योंकि कमी है, तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है जॉब के साथ,
तो बस वही अगर हम कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे से उसे निकाल लेंगे एग्जाम को, टीयर वन को, और टीयर वन के बाद टीयर टू के लिए फिर देखेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। थैंक यू।